हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप परसोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर रिस्क फैक्टर ऑफ होलसेल बिजनेस, होलसेल मेडिसिन बिजनेस, मेडिकल एजेंसी की। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है और बहुत सारे लोगों की चाहत भी होती है कि यार मेरा रिटेल शॉप है, मैं बड़ा कर ले जाता हूँ, इसको होलसेल का भी काम करूँगा। या कुछ लोगों के पास थोड़ा फंड होता है तो वो ये सोचते हैं कि चलो होलसेल एंड रिटेल दोनों का बिजनेस, दोनों का लाइसेंस ले लेते हैं, पहले रिटेल रिटेल करेंगे, बाद में होलसेल कर लेंगे। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि चलो होलसेल का बिजनेस शुरू करते हैं, वो किसी और सेक्टर में, वो बैंकिंग में है, आईटी में है, किसी और सेक्टर में है, वो आ जाते हैं होलसेल के अंदर। तो फ्रेंड देखो, होलसेल को, होलसेल बिजनेस, मेडिसिन का होलसेल बिजनेस या मेडिकल एजेंसी स्टार्ट कैसे की जाती है, इसके ऊपर मेरा फुल एकदम इन डिटेल वीडियो, इन डेप्थ वीडियो जिसको बोलते हैं, मैंने बनाया हुआ है। एक एक स्टेप बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से मैंने समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा ना, जाके देख लीजिए, अगर आपको होलसेल का काम करना है तो। ठीक है, यहां पे मैं बता रहा हूं कि होलसेल के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, रिस्क क्या क्या है। ठीक है, और यह मेरा खुद का अपना खुद का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैंने खुद अपने होलसेल के शॉप में फेस किया हुआ। ठीक है, तो देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं होलसेल में। पहली प्रॉब्लम है फंडिंग की। होलसेल एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा ना, तो आपको रेवेन्यू मिलने के बजाय ना आपका फंड यूज होता जाता है। पहला प्रॉब्लम यही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा ना, आपके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कंपनी बढ़ेगी। तो दो चार पाँच साल तक तो ऐसा होता रहेगा कि आपको प्रॉफिट कुछ दिखेगा ही नहीं इसके अंदर, बस आपका पैसा लगता जाएगा। जब जब कंपनी बढ़ाएंगे तब तक पैसा लगता जाएगा, दो चार पाँच महीने फिर से पैसा आपको लगाना पड़ेगा। मींस चार पांच साल तक, जिसे मान लीजिए आप नंबर ऑफ कंपनी, क्योंकि चार पांच साल तक कंटिन्यूसली आप कंपनी बढ़ाने के ऊपर ध्यान देंगे, नंबर ऑफ कस्टमर भी आपका बढ़ता जाएगा। चार पांच साल के बाद ऐसा हो जाता है कि एक स्टैग्नेंट फेज हो जाता है कि भाई इतने कस्टमर को हम कैटर कर रहे हैं। जब तक वो स्टैग्नेंट फेज नहीं आता है तब तक ना आपको पैसा डालते रहना पड़ेगा, पहला। दूसरा जो दिक्कत है, चलो ये भी कोई बात नहीं, इतना हम कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, ये धंधा ऐसा है जहां हम सामान, माल, जो मेडिसिन है, उसको कैश में खरीद के लेके आते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कैश में खरीद के लेके आएंगे, उधार बांटेंगे, ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कैश में खरीदना, उधार देना, अगर देखा जाए बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ये बिल्कुल ही बकवास बिजनेस मॉडल है। ठीक है, बकवास इन द सेंस, कोई भी बिजनेस मॉडल के अंदर हम प्रॉफिटेबिलिटी बात करते हैं जहाँ टाइम पे पेमेंट आए। यहाँ पे इसी वजह से स्टॉकिश के अंदर जो ज़्यादा लोग फेलियर हो जाते हैं स्टॉक बिजनेस के अंदर, वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि कैश में सामान खरीद के ले आते हैं और उधार में देते हैं। लेकिन उधार देने के साथ अगर मुझे पैसा टाइम पे आ जाए, पहली बात, दूसरी बात, एक अच्छा मुनाफा हो, प्रॉफिट अच्छा हो, तो मजा आए। अब ये कैश में खरीद के उधार दे रहे हैं, प्रॉफिट कितने परसेंट का? 2% का, 3% का। जो नेट मार्जिन आती है होलसेल का, वो मार्जिन लेवल बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, जिसकी वजह से यहां पे टोटल मार्जिन ही 10% है। और उसके बाद उसमें कंपटीशन की वजह से हम देते थे कैश डिस्काउंट, कम से कम 4% या 5% का कैश डिस्काउंट देते हैं। इसके बाद हम फिर क्या उधार देते भी हैं माल को, और उधार देने के लिए जाते भी नहीं। कोई ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ आएगा और उधार लेके जाएगा, नहीं, हम उधार भी देंगे और आपकी दुकान पे पहुँचा के उधार देंगे। मतलब होलसेल का बिजनेस ऐसा है जिसमें रिटेलर के हमें माल सप्लाई करना होता है, हॉस्पिटल में माल सप्लाई करना होता है, कैसे? उधार पे। कुछ पेमेंट, मतलब 60% जो पेमेंट होता है वो तो 30 डेज के अंदर आ जाता है, एक महीने के अंदर रिकवर हो जाता है। 20% पेमेंट जो होता है 45 डेज में आता है, और जो 20% वो 60 मोर देन 60 डेज में रिकवर होके आता है। ठीक है, तो दूसरा प्रॉब्लम ये है जो यहाँ उधारी वाला सिस्टम है और मार्जिन लेवल बहुत कम है। तीसरा क्या है कि यहाँ पे जो टैबलेट कैप्सूल सिरप डिवीज़न है, तो बहुत सारे लोग जनरल डिवीज़न में सेल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल्दी से हमें कस्टमर मिल जाता है। तो यहाँ पे रेड गेम है, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप दे रहे होंगे 4-5% सीडी, अब बड़ा वो स्टॉकिस्ट है वो 7-8% कस्टमर को सीडी दे रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो बड़े बड़े काउंटर हैं उनको कैप्चर करना, ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे कन्वर्ट करना। क्योंकि बड़े बड़े जो काउंटर्स होते हैं वो पेमेंट अच्छा करते हैं, तो जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जिसके पास अच्छा स्टॉक है, डिफरेंट बहुत सारी कंपनीज है, वो क्या करती हैं, ऐसी पार्टियों को ना डिस्काउंट ज़्यादा देती हैं। अभी नया नया होलसेल का आपने बिजनेस किया, आपको डायरेक्ट कंपनी तो मिलेगी नहीं, आप लेके आओगे, मतलब
सेमी में माल लेके आएंगे, किसी ऑथराइज डीलर से लेके आएंगे, 2% तो वैसे आपका लॉस वहाँ चला जाएगा, 2% तो वही ले लेगा, कई लोग तो 2% में 3% ले लेते हैं, तो टोटल मार्जिन आपको 7% बचा या 8% में वो 8% डिस्काउंट ही दे रहा है, तो इतना आप कंपटीशन बीट ही नहीं कर पाओगे। जब अपना कंपटीशन आप बीट नहीं हो, 8% डिस्काउंट उसको चाहिए, आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि टोटल मार्जिन ही आपको 8% है, उसमें आप जा रहे हो माल को पहुँचाने भी जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ मार्जिन अपने पास 2-3% तो रखोगे, जिससे आपके पेट्रोल का पैसा निकले, राइट। तो बड़ा काउंटर है, वो बड़ा है तो वहाँ का उसका रेगुलर सप्लाई है, तो जो होलसेलर है बड़ा वाला वो दे ले रहा है। उसके साथ दूसरा एडवांटेज क्या है, आप सेमी में माल खरीद के लेके आओगे, कंपनी बहुत सारा स्कीम देती है, 10 के साथ 2 फ्री 3 फ्री से मैन काइंड में आपने खूब सुना होगा 11+1 का स्कीम। अब आप जब सेमी मिलेंगे ना, तो कई बार आपको ये स्कीम मिलेगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम डायरेक्ट स्टॉकिस्ट होते हैं कंपनी के, तो कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को टारगेट का प्रेशर होता है, तो वो कई बार स्कीम करवा देते हैं या आती है तो बता देते हैं कि ये ले लीजिए स्कीम आया, क्योंकि उनको टारगेट पूरा करना होता है। लेकिन आप सेमी स्टॉकिस्ट हैं तो इस टाइप का ऑफर आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब इस टाइप का ऑफर नहीं पहुंच पाएगा, मार्केट के अंदर जो ऑथराइज डीलर है वो 10+1 का स्कीम दे रहा हो और आपको स्कीम ही नहीं दे पा रहे हो, ये भी एक बड़ी दिक्कत आ जाती है, राइट। तो ये होलसेल के ये सब जो है प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा होता है ग्रो करना, ग्रोथ की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो यहां पर क्या करना है भाई, टैबलेट कैप्सूल सिरप सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी के अंदर है, ठीक है। तो यहीं के अंदर अगर हमने शुरू किया तो यहाँ पे ग्रोथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इतनी जल्दी से आप कंपनी का ऑथराइज डीलरशिप आपको मिलेगा नहीं, जब ऑथराइज डीलरशिप नहीं मिलेगा तो आपको ग्रो करने में कब तक आप दूसरों से भी माल लेते रहेंगे। एक होता है ट्रेडिंग की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो मैं होलसेल में ट्रेडिंग करके पैसा कमा ले जाऊँगा। देखो, ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता, अच्छा मॉडल है, यहाँ से पैसा मिलता है, लेकिन भाई ट्रेडिंग आप तभी कर पाओगे ना जब आपके पास डिमांड होगी। माल लाना, माल खरीद के लाना बड़ी बात थोड़ी है, माल तो कहीं भी खरीदेंगे मिल जाएगा, माल बहुत जगह मिल जाता है। या माल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्ट को बनाना बड़ी बात नहीं है, या प्रोडक्ट को लाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है सेल करना। तो ट्रेडिंग आप होलसेल में सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग करके मैं बिजनेस कर ले जाऊंगा, तो ट्रेडिंग आप डियर तभी कर सकते हैं जब आपको फील्ड में आपकी पकड़ हो, आपके पास कस्टमर जुड़े हुए हैं। मान लीजिए बीकासूल का एग्जांपल लेते हैं, तो बीकासूल कैप्सूल आप चलो आपको सस्ते में कहीं माल मिला था, आप 100 डब्बे 200 डब्बे उठा लाए, लेकिन उठा के लेके आए, अभी मार्केट में आप उसको सेल किसके पास करोगे, कस्टमर से आप करें, आप लेके जाओगे बीकासूल ऐसे सेल करने के, सर मेरे पास बीकासूल है, बोलेगा मेरे पास रखा हुआ है, क्योंकि वो तो तब मंगाएगा ना जब उसके पास डिमांड आएगी। जब उसके पास डिमांड आएगी तो आपका नाम तो, वो तो आप जानता नहीं, आप तो नए स्टॉकिस्ट हो, वो तो जानता है ये फाइजर का ब्रांड है और फाइजर की स्टॉकिस्ट ये है, उनके पास फ़ोन करेगा, खट से वो पहुँचा देंगे। अभी आपका नाम रजिस्टर्ड हुआ नहीं माइंड के अंदर, तो ट्रेडिंग करके तभी पैसा अर्न कर पाओगे जब आप अपना नाम होलसेल के मतलब मेडिसिन जो स्टोर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनके माइंड के अंदर दर्ज करा पाओगे। इसमें जाएगा टाइम 1-2 साल, तो 1-2 साल आप सोचोगे मैं ट्रेडिंग करके, नहीं, ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जा सकता है, वो उन लोग कमाते हैं पहले जो पुराने हैं, या फिर हम जैसे MR लोग हैं, हमको मालूम है कि ट्रेडिंग होती कैसे है और ये बिकेगा कहाँ पे। हम रिटेलर को नहीं, ट्रेडिंग स्टॉकिस्ट से खरीद के स्टॉकिस्ट को ही कर सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है, क्योंकि हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, जो लोग MR होते हैं या फार्मा प्रोफेशन में होते हैं, तो वो इन सब को इधर उधर करना ये सब आता रहता है। अभी आपने कभी काम नहीं किया यहाँ आके होलसेल में काम, ऐसा काम सोचेंगे कहीं से सुन के या किसी ने बता दिया, या आपके रिलेशनशिप में कोई बड़ा अच्छा होलसेल बता रहा था, अच्छा काम चल रहा है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो वो जमाना चला गया। पहले एक टाइम पर रिटेलर टाइम पर पेमेंट करता था और डील डिस्काउंट का इतना चक्कर नहीं हुआ करता था, CD का इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, CD वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है, राइट। तो ये एक फ्रेंड कुछ बातें थी, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट मेन बातें थी जो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जब हम होलसेल का बिजनेस करने जाते हैं। तो मेरा एडवाइस ये होगा कि अगर आपको इस सेक्टर के बारे में नहीं पता है फ्रेंड, होलसेल बिजनेस के बारे में नहीं पता है, आपने काम नहीं किया है यहाँ पे, तो बेटर ये है कि आप इसके बजाय रिटेल शॉप ओपन करिए, बड़ा रिटेल शॉप ओपन कर लिए, वहाँ पे आप लॉस में नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे 20-25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी रेवेन्यू इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। वही 20-20 लाख रुपए अगर रिटेल शॉप में आप डाल देंगे तो कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं बिल्कुल यही बोलूँगा, डोंट स्पेंड मनी ऑन दिस होलसेल बिजनेस, ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है, इसके अंदर ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, कुछ माइंड ओपनिंग हुई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगा वीडियो, आप समझ पाए होंगे जो बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है।
और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं, तो मेरे साथ एक कंसल्टेशन बुक कर लीजिएगा। 250 रुपीज़ ओनली खर्च आएगा आपका। मुझसे फ़ोन कॉल पे आप बात कर लीजिएगा कंसल्टेशन कॉल बुक करके। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आ रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे, यही पेमेंट का भी नंबर है, इसी पे डिजिटल पेमेंट ऐप के थ्रू 9058623737 इस नंबर पे, किसी भी डिजिटल पेमेंट ऐप के थ्रू, पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, अमेजन पे है, जो भी डिजिटल पेमेंट ऐप है उसके थ्रू पे करने के बाद आप मुझको स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस टाइम से इन डेप्थ इन डिटेल आप बात कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, इसको बंद करते हैं, यहीं पे मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाहर बिल्कुल मत जाइएगा, कोविड की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रह के कुछ सीखते रहिए, ठीक है। बाय।